गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि आज हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। और गाइस, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दीजिए, और करने के बाद उसको शेयर करना है ताकि और भी नए नए व्यूअर्स के पास हमारा वीडियो जाए। और 1000 कंप्लीट कर देंगे तो हमको भी वीडियोस बनाने में मजा आएगा। अबे चल जल्दी से वीडियो शुरू कर, फालतू का बकवास मत कर, टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, करता हूँ स्टार्ट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बारे में। आप लोग आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे न्यूज पढ़े होंगे जिनको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते होंगे, तो आज हम ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर्स देखेंगे। मोमोज की चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी। क्या यार, ऐसा भी होता है? कोई इतनी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है? इस बंदे को तो फांसी की सजा देनी चाहिए भाई। मतलब मोमोज की चटनी मांगने पर गुल्लक फोड़ दे रहा है। क्या क्या हो रहे हैं इस देश में? मैं तो भाई मोमोज ही नहीं खाता हूँ। चल बे झूठे, सच में यार नहीं खाता हूँ। और अगर आप मोमोज खाते हैं तो भाई मोमोज खाना तो चटनी गलती से भी मत मांगना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर छोड़िए इसको, अभी तो आपको आगे इससे भी मजेदार खबर मिलने वाला है। प्यार अंधा होता है, सांस को ही ले भागा दिमाग। भाई, भाई भाई भाई, इतना अंधा? मैं भी मानता हूँ भाई प्यार अंधा होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे फेसबुक और टिकटॉक के स्टार्स कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। किसी ने सच कहा है, प्यार अंधा होता है, तभी तो लोगों को सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता है। प्यार अंधा होता है, चूतिया बनाने का धंधा होता है। लेकिन हाँ, इतना भी अंधा नहीं होता है कि माँ और बेटी में फर्क ही समझ में ना आए। लेकिन हाँ, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। जब मोमोज की चटनी मांगने पर गुल्लक फोड़ा जा सकता है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लास्टिक की बोतल में फंसा युवक का प्राइवेट पार्ट, अस्पताल में भर्ती। भाई ये न्यूज सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद मैं भी अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? क्या यार, बोतल में कैसे फंस सकता है? शायद पानी निकाल रहा होगा। लेकिन चलो छोड़ो, कुछ भी कर रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम आगे देखते हैं क्या होता है। शायद इंग्लिश में लिखा था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइए इसका मतलब क्या है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला हेडलाइन देखते हैं। पैसा उड़ाने के लिए चोर बनी युवती। भाई कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियाँ? हमारे इलाके में तो ऐसी लड़कियाँ हैं ही नहीं। लेकिन जो भी हो भाई, ऐसी लड़की अगर किसी को मिल जाए ना तो और क्या चाहिए लाइफ में। 128 किलो की पत्नी के नीचे दबकर पति मरा। क्या जरूरत था बेचारे को बुलडोजर के नीचे आने की? शायद फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हो सकता है इन लोगों की जोड़ी भी इन्हीं की तरह हो। खैर छोड़िए, जो भी हो हम बढ़ते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। 7 महीने से पति था बाहर, इधर पत्नी हो गई गर्भवती, कहा सपने में आते थे पति। कुछ भी, कुछ भी। ऐसे हमारे न्यूज वाले भी शायर से कम नहीं है। एक बार राइमिंग तो देखो, गर्भवती और आया है पति, तो इन लोगों के लिए एक शायरी तो बनता है मेरे तरफ से भी। रात को सपने में हुआ काम और 9 महीने बाद आएगा उसका परिणाम। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। वैसे कुछ भी कहो, ये औरत बहुत चालाक है, क्या समझ लेके रखी है लोगों को। मुझे इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है यार। चलो हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट हेडलाइन कौन सा था, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्द ही जल्द कंप्लीट हो। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नई सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। रुको जरा, सबर करो। हम बचा नहीं खी ढांचा पे जुनी।